स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दूंगा जेन्युइन जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों से आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये मेरे से पूछ रहे थे कि आप प्याज से झड़े हुए बाल वापस आते हैं क्या, प्याज रियली काम करता है? देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बाकी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, बाला एम से मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर हेड स्टैंड, जितने भी वीडियोस बनाए हैं न्यूट्रिशंस, वो सब सही है। जो भी है मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। प्याज से रिलेटेड मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्याज से झड़े हुए बाल वापस नहीं आते हैं। गंजापन जो जिसे बोलते हैं, वो एक बार झड़ गए तो आना बहुत ही मुश्किल है। मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे मैं रीज़न बताऊँगा। जिनको लगता है मैं लेंदी वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए उनके लिए पहले बता रहा हूँ रीजनिंग में, इसलिए ज़्यादा रीजनिंग नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखिए, जिनके बाल अगर स्कैल्प इन्फेक्शन की वजह से झड़े हुए हैं तो उनके बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो DST की वजह से नहीं, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से नहीं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से झड़े हुए हैं। तो प्याज में सल्फर है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी है, जिस वजह से वो स्कैल्प के ऊपर काम करके इस इन्फेक्शन को दूर करता है, और उस रीज़न पे प्याज काम कर सकता है, जो बाल झड़ रहे हैं वो रोक सकता है और नए बाल उगा सकता है उस केस पे, ठीक है। बाकी जैसे डैंड्रफ है, डैंड्रफ के लिए बहुत हेल्पफुल है, बाल सिल्की स्मूथनिंग के लिए प्याज हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप बात करें गंजापन के लिए, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, हेल्पफुल नहीं है, झड़े हुए बाल वापस नहीं आएंगे। अब मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। आपने एक रिसेंट वीडियोस में, दो तीन वीडियोस पहले के, उसमें देखा होगा कि मैंने शेव किया हुआ था, छोटे बाल किए हुए थे, एकदम शेव कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं खुद प्याज लगाकर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, न्यूट्रिशंस ले रहा था, साथ ही साथ बालाएं ये सब बंद कर दिया था। तो फिर भी मैंने उसके बाद इसीलिए नहीं बनाया, मैं और देखने के लिए कोशिश कर रहा था कि बाकी सबके क्यों नहीं झड़ रहा है, मेरे ही क्यों झड़ रहा है। तो और दो जने और लगा रहे थे, उनके नहीं झड़े। तो रीज़न जानने की कोशिश की, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए पैच कई तरह के आते हैं, वाइट पैच, फिर पर्पल कलर के होते हैं, और एक लाइट पिंक टाइप के, ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिनके बाल नहीं झड़ रहे थे, वो पर्पल कलर वाले जो डार्क होते हैं ना, गीले पैच जिसे नए पैच बोलते हैं, वो लगा रहे थे। अब वो बहुत तेज़ है, अभी देखिए उसके केमिकल फॉर्मूलेज में मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो टाइम जाएगा, इतना समझ लीजिए वो तेज़ है, जिससे आंसू आ जाते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन करता है, और जितना रेगुलर आप गंजापन, जब आप गंजे हो जाते हैं उसके बाद अगर यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं करेगा कि आपको रीग्रो करवा सके। लेकिन हाँ, फर्स्ट सेकंड स्टेज पे जहाँ पर आपके झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो रोक सकता है, क्योंकि उतना तो वो ब्लड सर्कुलेशन करता है। और जो मैं यूज़ कर रहा था, ये देख सकते हैं, ये लाइट पिंक कलर का, इससे मेरे बाल झड़ रहे थे, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। ये इसमें आप देखिएगा, आप खुद पर्सनली एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप डार्क कलर के जो है नए प्याज वो लीजिए, और सूखा प्याज लीजिए जो ओल्ड है, लाइट पिंक कलर के वाइट है, जो दोनों में फ़र्क पता चलेगा, एक तेज़ है और एक तेज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो डार्क कलर है वो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा करता है, और ये जो लाइट कलर के वो कम करता है। और मैं वही यूज़ कर रहा था जिस वजह से मेरे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहे थे और मेरे बाल झड़ रहे थे। लेकिन जब मैंने, जिसके बाल नहीं झड़ रहे थे, उसको जब मैंने वो प्याज चेंज करवाया और लाइट कलर के और वाइट कलर के प्याज लगाने को दिया, तो 10-12 दिन के बाद उसके भी धीरे धीरे बाल झड़ना चालू हो रहा था। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं खुद देख रहा हूँ, बाकी की तरह नहीं कि सब बोलते हैं कि प्याज से बाल आते हैं, तो मैं भी वही बोल दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप भी अगर यूज़ करें तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या फ़र्क पड़ा, किस तरह के प्याज यूज़ किए हैं, वो सब कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, मैं उसके बारे में और डिटेल में जाऊंगा, इंक्वायरी करूंगा। बाकी आप अपना रिव्यू भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत हूँ। जैसे कि बहुत से लोग बालाएं मिनोक्सिडिल ये सब लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनके बाल झड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बालाएं गलत है, उनको रिजल्ट नहीं मिला मतलब ये नहीं कि वो गलत है। तो इसी प्रकार मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि प्याज गलत है, सही भी हो सकता है। लेकिन जो ऑब्जर्व मैंने कि आप भी थोड़ा ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, फिर मुझे बता सकते हैं कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। इस वीडियो के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, ये आपके ऊपर है। जो भी है, मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, मेरे तरफ से जो रिव्यू है वो मेरा रिव्यू दे रहा हूँ, पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, इसको आप अलग से मत लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ये सही बोल रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है, ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है,
सिल्की बाल बनाता है, थिकनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। और एक और चीज़, प्लीज़ सिर्फ बालों के लिए आप शरीर के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए, सिर्फ लगाने के अलावा खाने के लिए भी सोचिए। प्याज ये सब बाकी जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको खाइए, बालों के साथ साथ शरीर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बाकी शरीर पे भी ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी दिया हूँ वो स्पष्ट है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।